जनपद बिजनौर के सिहारा ब्लॉक में जिस तरह लगातार वायरल फीवर में इजाफा हो रहा है, इसको देखते हुए सीएचसी प्रभारी डॉक्टर विशाल दिवाकर ने बताया, हमारे ब्लॉक में लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और ब्लॉक में 21 जांच सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सीएचसी प्रभारी ने शहर वासियों से अपील करते हुए कहा, किसी भी तरह का फीवर होने पर तुरंत सीएचसी पर आए, हमारे यहां अलग से फीवर सेंटर बनाए गए हैं, उसके द्वारा इलाज कराए। सिहारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर विशाल दिवाकर, चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिहारा। पहले भी आपसे मुतमिन हुआ हूँ और फिर मैं एक बार ये बताने के लिए कह रहा हूँ कि पिछली बार जो स्वास्थ्य विभाग ने जो तैयारियां की थी संचारी रोग अभियान के तहत, साफ सफाई के तहत, उस क्रम में मुझे कहना है, ये अच्छी बात है कि अभी हमारे यहाँ कोई डेंगू पॉजिटिव पेशेंट ब्लॉक में नहीं है, परंतु उतनी खतरे की बात है कि हमारे पड़ोसी जिले जनपद मुरादाबाद में इस समय अत्यधिक डेंगू केस पॉजिटिव आ रहे हैं। इसी क्रम में हमने नया एक वो किया है कि जितने हमारे 21 एचडब्ल्यूसी सेंटर हैं, उन एचडब्ल्यूसी सेंटर्स पर हमने दोबारा से एक अभियान चलाया है, सभी सुपरविजन को लगाया गया है। आज मेरे द्वारा भी महमूदपुर एचडब्ल्यूसी के अंतर्गत जितने भी गांव, 8 गांव आते हैं, और सहसपुर देहात के अंदर जितने गांव आते हैं, खुद इंस्पेक्शन किया गया, सभी के बारे में मालूम किया गया, बुखार और उन सभी की बैठक भी ली, रोगियों की जांच करने के लिए, लाइव लिस्ट करने के लिए ये भी बताया गया। उसके उपरांत ये बताया गया कि जितनी भी जांचें हैं अपने एचडब्ल्यूसी सेंटर पर कराए, अगर किसी व्यक्ति के प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा कम हैं तो उनको हमारे यहाँ सीएससी रेफर करें। इससे हमारे सीएससी पे भी कई रोगी एडमिट हैं और उनका उत्तम इलाज किया जा रहा है। तो इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सभी जनता से ये मेरा आग्रह है कि कहीं भी बोतल्स वगैरह या प्लेटलेट्स के चक्कर अननेसेसरी पैसा खर्च ना करें, कृपया करके अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आकर इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।